हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ सीयूटी यूजी 2025 के बारे में। कि फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट सीयूटी एग्जामिनेशन देना चाहते हो, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट है, तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले तो इसमें कम्प्लीट डिटेल्स मैं बताऊंगा, जैसे कि फॉर्म फिलअप कब होगा, उसका डेट कब आएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन होता है, कितना नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है। साथ में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं आप लोगों का क्वेश्चन, ओके। उसके बाद फॉर्म फी कितना लगने वाला है एग्जामिनेशन वगैरह सारा का, ओके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट आपको सीयूटी यूजी के बारे में बताने वाला हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूं, सीयूटी एग्जामिनेशन से लास्ट तक काउंसलिंग एडमिशन तक, ओके फ्रेंड। तो बात आ जाता है कि भैया सीयूटी यूजी मैं देना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं है कि सीयूटी यूजी क्यों दूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको अभी क्लास ट्वेल्थ में होगे, क्लास ट्वेल्थ के बाद कहीं ना कहीं आप एडमिशन लोगे, या तो फिर आप इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करोगे, या और अदर कोर्सेस करोगे। सबसे पहले जो सिंपल होता है बीए बीएससी, तो कोई नॉर्मल जाके कोई भी यूनिवर्सिटी में कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अच्छे अच्छे जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट के अच्छा यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, अगर ये सब में कोई भी कोर्स, कोई भी चीजें करना चाहते हो, तो आपको सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन देना होगा। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी ट्वेल्थ कर लियो तो आप करोगे ग्रेजुएशन ही, तो उस टाइप से। तो सबसे पहले वाई, यही आप लोग का क्वेश्चन होता है कि भैया मैं क्यों करूं। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन होगा, अच्छा अगर जानना चाहते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, तो सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पर ही वहां पर एडमिशन होता है, ओके। अब मैं बात करता हूं इसमें, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि फॉर्म फिलअप कब से होता है, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कब इसका एग्जामिनेशन होता है, कब इसका रिजल्ट होता है, तो सारा चीज मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये 2024 का है यूजी का, सीयूटी यूजी का, ओके। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप पिछले साल जो हुआ था, 27 फरवरी से 26 मार्च तक चला था, पूरा एक महीना आपको टाइम दिया गया था आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको मैं बात करूं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको एग्जामिनेशन जो होता है 15 मई से पिछले साल हुआ है, इस बार भी वही डेट रहने वाला, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन आप मान के चलिए प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो 15 मई से 31 मई तक आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। इसका जो रिजल्ट जो है, देख सकते हो, डिक्लेयर रिजल्ट एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आप लोग का एग्जामिनेशन वगैरह होता है, तो ये 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, ओके। ये पिछले साल का डेटा है, कुछ इसी टाइप का आपको इस बार भी, ओके, इस बार भी आपको 2025 में होने वाला है। देखिए, एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, एग्जाम पैटर्न को समझाने के लिए 3 स्लाइड मैंने लिया हूं। ऐसे तो ये ऑफिशियली है, मैं आपको सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, सीयूटी यूजी 2024 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मोड ऑफ टेस्ट जो है हाइब्रिड मोड में हुआ था, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हुआ था, यानी सीबीटी मोड में हुआ, और पेन पेपर के अकॉर्डिंग भी हुआ। जहां फैसिलिटी था सीबीटी टेस्ट हुआ, जहां फैसिलिटी नहीं था तो वहां पर पेन पेपर के अकॉर्डिंग भी हुआ है। टेस्ट पैटर्न के मैं बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ओके। इसमें मीडियम बात करूं तो 13 लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन होता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, जो भी आप स्टेट के होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 मेनली आप लोग का पैटर्न होता है, पार्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। मैं आगे बात कर लेता हूँ, ये तो था जो आपका ऑफिशियली था, मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप इस एग्जाम को दे लेते हो तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये 3 पार्ट्स में आपको एग्जामिनेशन होता है। पहला लैंग्वेज टेस्ट होता है, ये लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप हिंदी, अगर मैं स्टूडेंट हिंदी का हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी, अगर इंग्लिश से एग्जामिनेशन दूंगा तो इंग्लिश, अगर बंगाली से हूँ या तो मराठी, उर्दू, तो इस टाइप का लैंग्वेज होता है, इसका एग्जाम देना होगा, ओके। सेकेंड आता है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जो आप क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या तो फिर आप हिस्ट्री लिए होंगे,
या जियोग्राफी लिए होंगे, कुछ और भी, जैसे कि आप कुछ और भी जो भी आप ट्वेल्थ से कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल साइंस वाले, कोई भी जो भी आप ले रहे हैं वो सारा के लिए है कि डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट आपको देना होगा, जो भी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाते हो। जैसे कि आपको अच्छा लग रहा है फिजिक्स और मैथ, तो फिजिक्स मैथ के एग्जामिनेशन दोगे, कम से कम आपको 6 देना होगा, मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो पहले सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपको जो टेस्ट होगा, एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि जो ट्वेल्थ में लिए हो वो स्पेसिफिक हो गया, एक जनरल टेस्ट होता है जैसे कि रीजनिंग वगैरह हो गया, करेंट अफेयर हो गया, ये सब टाइप का। अब मैं बताता हूँ कि कितना मार्क्स का क्या सब पूछता है, कितना ड्यूरेशन रहता है, कितना टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर वहां पर क्लियर नहीं हुआ है तो। देखिए यहाँ पर 3 मेजर सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका जो है CUT UG का जो ब्लूटीन था 2024 का वही है। देखिए मैक्सिमम 6 टेस्ट दे सकते हो, माने 6 टेस्ट दे सकते हो। बात करूं ये सेक्शन है, ओके, ये सेक्शन है, सब्जेक्ट टेस्ट, क्वेश्चन टाइप आपको अटेम्प्ट में दिखाऊं और ड्यूरेशन। देखिए सेक्शन 1 में आपको 13 लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी स्टेट के होंगे तो उसका अपना अपना लैंग्वेज होगा, तो उसका एक टेस्ट देना होगा। ओके, इसमें 2 टाइप का होता है, या तो हिंदी एक ही लो, या तो इंग्लिश लो, या तो दोनों लो। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना है, देखिए 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कितना में, 50 में, समझ गए, 50 क्वेश्चन में आपको 40 अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट मिलेगा। ओके, ईच लैंग्वेज का, यानी 2 लैंग्वेज लेते हो तो 45-45 मिलेगा। ओके, यानी 90 मिनट। उसी तरह से मैं बात करूं सेक्शन 2 का डोमेन, जैसे कि आपको 29 डोमेन आपको NCERT में बेस में बताया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, या तो हो गया आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या तो फिर और भी कोई अकाउंट वगैरह आप पढ़े होंगे तो उसका होता है, तो टोटल मिलाकर 29 डोमेन्स है। तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट को, डोमेन को चूज करना होता है कि मैं इसका एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी है जैसे कि जेई मेंस में है ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी है अपना अपना कोर्स करती है, आप चाहते हो कि मैं ये सब चीजें करूं, तो जो भी आपको इंटरेस्ट है यानी कि जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें भी देखिए 40 क्वेश्चन आपको बनाना होगा आउट ऑफ 50 में, 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपको, जो टाइमिंग जो है, अगर मैथ का होगा तो 60 मिनट आपको मिलेगा, अगर आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा तो 45 मिनट मिलेगा। ओके, उसके बाद है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देख सकते हो रीजनिंग, करेंट अफेयर, इस टाइप के जीके जीएस टाइप का रहेगा। इसमें भी आपको टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से आपको एग्जामिनेशन होने वाला है। 3 सेक्शन में होगा, एक सिंपली याद रखिए कि लैंग्वेज और जो आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे उसका एग्जामिनेशन देना होगा, और एक हो गया आपका जो जनरल टेस्ट हो गया। ये मान के चला जाता है कि 6 टेस्ट आप दे सकते हो, यानी 6 यानी 6 टेस्ट दे सकते हो, कि अपना अपना यूनिवर्सिटी अपना अपना रूल के अकॉर्डिंग निकालती है। किसी को चाहिए कि नहीं भाई हमको दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई कोई कोर्स ऐसा करोगे जिसमें आपको पता चलेगा। ओके, और भी मैं बताता रहूंगा, अगर यहाँ पर क्लियर भी नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा आपको ब्लूटीन और जो ऑफिशियल है उसको देखना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म फीस कि कितना आपको लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए अगर जनरल के स्टूडेंट हो तो 1000 रुपये आपको लगने वाला है। ओके, अप टू 3 सब्जेक्ट, मैंने जैसे बताया ना कि 6 सब्जेक्ट को दे सकते हो, तो 3 सब्जेक्ट का, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो तो ईच सब्जेक्ट के लिए यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपया अलग से दिए जाएंगे। ओके, 400 रुपया अलग से आपको देना होगा, तभी आपको उस पेपर में एग्जामिनेशन देना होगा। OBC NCL वाले स्टूडेंट हैं तो 900 रुपया लगेगा, और ईच अदर सब्जेक्ट के लिए 375 रुपया। अगर SC ST PWD थर्ड जेंडर है तो 800 रुपया लगेगा 3 सब्जेक्ट का। अगर और भी एडिशनल आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो 350 रुपया ईच लगेगा। अगर आउटसाइड इंडिया के हैं तो आपको 4500 रुपया लगेगा और 1800 ईच सब्जेक्ट का। ओके, तो ये मैंने आप लोग कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया CUT UG के बारे में,
और भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका 100% उसका रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको इसके बारे में पूरा जानकारी हो, तभी आप सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।